जी की इनकी प्रतिपक्ष के रूप में हंसी उड़ा रहे हैं। उस समय श्री मांडी मिखु जी बोली, बोल भाई ये श्री श्याम सुंदर और ये मधमंगल ये तो विदूषक कर्म करते रहेंगे, अब तुम एक काम करो, जल्दी से सुबल के साथ में बैठ करके लेख बना करके हिसाब किताब लगा करके केदार का कहा श्याम सुंदर की जो क्यारी है उसका कितना कर है ये बताओ, ये फालतू की बात तो बहुत होगी परिहास की। उस समय नानी मुखी जी कह रही हैं कि आप लोग कितना कर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं आप ही बता दो। ललता जी कह रही है नहीं नहीं देखो वो 446वां श्लोक पद्य तो 446वां पैराग्राफ उसमें कह रही हैं कि समा इत्यादि का जो खेत होता है उससे बढ़कर के धान्य का खेत होता है, फिर धान्य के खेत से कपास का जो क्षेत्र है उसका लगान ज्यादा होता है, फिर उससे भी वास्तु भूमि उसका लगान और भी प्रचुरतर होता है। और इसमें इन्होंने जो खेती की है वो मुक्ता की केदारिका में की है, मोती की क्यारी में की है, तो मोती की क्यारी जिसमें उत्पन्न होंगे वो तो परार्ध गुण वाली भूमि है, उसकी तो कोई टैक्स की सीमा ही नहीं है कितनी मूल्यवान होगी। इसलिए यद्यपि हमारी जमीन का लगान तो अनंत है परंतु फिर भी चलो हम एक बात कहेंगे कि केदार काम इमाम वो जो श्याम सुंदर की जो केदार का है उसका धर्मशास्त्र में जितना वर्णन किया गया है उस धर्मशास्त्र की विधि से ही लौकिक विधि से ही उसका मूल्य लगा दिया जाए। तो यदि होता तो अलौकिक है और अनंत है, परंतु चलो हम लौकिक बाल अलौकिक वाली बात को छोड़ेंगे, हम तो लौकिक विधि से धर्मशास्त्र में जो वर्णन किया गया है ईमानदारी का उतने धर्म का ही हम वर्णन कर लेंगे। मानी जी वृंदावन बिहारी लाल की जय, स्वामी जी मानी तो जो धर्मशास्त्र के अनुसार जो विधि है उसको बता दो। तो कौटिल्य के धर्मशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कर का जो निर्धारण किया गया, राजनीति शास्त्र के अनुसार धर्मशास्त्र में जितने कर का निर्धारण किया गया उसको मना लो। यदि हम वास्तव की बात कहोगे तो वास्तविक बात तो ये है कि वृंदावन की भूमि और जिसमें मोती सरी की चीज उत्पन्न हो रही है उस भूमि के ऊपर तो वो भूमि स्वयं अलौकिक है और वो अमूल्य है, तो उसका टैक्स भी उसका लगान भी अमूल्य होगा, परंतु फिर भी लौकिक व्यवहार के अनुसार ही लगाओ। श्री नानी मुखी जी उस समय कह रहे हैं 447वां पैराग्राफ परिच्छेद अनुच्छेद 400 परिच्छेद ये 447 कि कियत प्रमाणम सखल मानदंडः। सबसे पहले तो ये बताओ कि जिस पैमाने से भूमि को नापा जाएगा वो पैमाना कौन सा है, उस पैमाने का क्या प्रमाण है। श्री ललता जी कहती हैं कि मया कथ्यमान सखल केन प्रतीयताम। अब मैं यदि कहूंगी तो कोई विश्वास करेगा नहीं, इसलिए चलो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, इसमें मैं अधिकृत करती हूं वृंदावन। वृंदा ही इस वृंदावन की क्षेत्रपालिका है, यहाँ की वो उद्यान पालिका वृंदावन उद्यान की पालिका होकर के मालिन होकर के वृंदा विराजमान है, इसलिए सर्वशास्त्र में अभिज्ञ भी है, इसलिए वृंदा ही इसका निरूपण करे। उस समय श्री नानी मुखी जी कह रही है भद्रम वृंदे मध्यस्थ तया त्वय मुक्ता मानदंडा।
कृत्वा दीयता। अब तुम ही बताओ मध्यस्थ होकर के जो सही सही है धर्म शास्त्र के अनुसार मोती के खेत को किस पैमाने से नापा जाएगा, उसका सबसे छोटी यूनिट क्या होगी जिस यूनिट से उस खेत को नापा जाए, मिनिमम यूनिट जो है उस यूनिट को तुम बता दो। श्री वृंदा जी कह रही है कि बास तो धान्य आदि कंकुआदि कर्पासा मौक्तिक क्षमा, वास्तु धान्य कंकु कर्पास और मोती ये पांच को यदि लें तो इनको हम अपने हाथ की उंगलियों की मोटाई के अनुसार इसको मानक मानेंगे। इसी क्रम से माने मकान बनाने की जो भूमि है वास्तु की भूमि उसको नापा जाएगा अंगूठे की मोटाई के बराबर, धान्य की जो भूमि होगी खेत उसको तर्जनी उंगली की मोटाई के बराबर उसको नापा जाएगा, उसे एक अंगुल दो अंगुल ऐसे नाप नाप करके फिर उसको लिया जाएगा। अब कंकु माने जो समा इत्यादि के हैं उनका यदि खेत है तो उसको मध्यमा उंगली की मोटाई के अनुसार वो पैमाना हुआ उसकी यूनिट मध्यमा उंगली होगी। और कपास कपास का यदि कोई खेत है तो उसकी अनामिका इस अनामिका के अनुसार उसकी मोटाई को नापा जाएगा। और मोती वो बहुत ज्यादा कीमती है, मोती जिस खेत में उत्पन्न होंगे वो भूमि तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसलिए सबसे ज्यादा पतली वाली जो उंगली है कनिष्ठ का उस उंगली के पैमाने से उसकी मोटाई के पैमाने से उसको नापा जाए। तो ये शास्त्र का विधान है, वास्तु धान्य आदि कंकु आदि कर्पास मौक्तिक क्षमा मियंते अंगुष्ठम आरभ्य क्रमा अंगुल पंचकई, अंगूठा से लेकर के और कन्नी उंगली तक पांच रूपों में ये पांच क्रमशः वास्तु का अंगूठे से धान्य का तर्जनी से इस तरह से मोती जो का जो खेत है उसको कन्नी उंगली के मोटाई के हिसाब से नापा जाएगा। एक दूसरी जगह भी शास्त्र में लिखा हुआ है कि अपूर्व मुक्ताक्षित्राम अनर्घ कर तो बुधई अनाम काम प्रायो मानदंडो प्रकीर्तिता, इसलिए कहीं कहीं ये कहा गया है कि अपूर्व मुक्ताक्षित्राम मोती का जो क्षेत्र है वो अपूर्व है, बहुत ज्यादा कीमती जमीन में ही मोती होगी, सब जगह मोती थोड़ी हो जाएंगे, इसलिए अपूर्व मुक्ताक्षित्राम अनर्घ कर तो बुधई, क्योंकि कर भी अनर्घ होगा ज्यादा होगा, मोती के खेत के ऊपर जो लगान लगेगी वो भी ज्यादा लगेगी, इसलिए अनामिका और अंगुष्ठ प्राय मानदंड प्रकीर्तते, उसका मानदंड बस अनामिका उंगली और अंगुष्ठ उंगली इन दो के हिसाब से, कोई कोई अनामिका को मानते हैं यदि ज्यादा उदार हो तो भाई अनामिका को ले लो, और यदि उदार नहीं हो हिसाब से ही यदि लेना है बिल्कुल माने नॉर्म्स जो है उनके हिसाब से ही यदि लेना है तो फिर कनिष्ठ का उंगली की मोटाई के हिसाब से बोल दिया जाएगा। तो नॉर्म्स जो है उनके हिसाब में तो कनिष्ठ का जो सामान्य शास्त्रीय क्रम है उसमें तो कन्नी उंगली की मोटाई ही ली जाएगी, परंतु यदि कोई ज्यादा उदार है तो चलो अनामिका की जो उंगली तो मोटाई है उसके हिसाब से कर ले लिया जाएगा। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर मध्यमा तक नहीं पहुंचेंगे, मध्यमा अंगुष्ठ तक फिर नहीं पहुंची जाएगी, जो कनिष्ठता और अनामिका इन दो उंगलियों में ही पहुंचा जाएगा। नानी मुखी कह रहे हैं कि वचन द्वय निरुंतिया अंगुलियों कतरात्र प्रमाणम, अब ये दोनों ही वचन तुमने तो कह दिए कि अनामिका भी हो सकती है कनिष्ठता भी हो सकती है, अब निर्णय करके बताओ कौन सा लेना चाहिए। श्री
ललता जी कहती हैं कि खुर मात्र खानित भूमि अनायासे नहीं हो अनर्ग सस्योत्पादकत्व कनिष्ठ कैव। अरे गैया के खुर मात्र में जो भूमि आती है गोस्पद में, वो भूमि भी खानित भूमि, वो गैया के खुर बराबर जो भूमि है वो भी अनायास ही अनर्घ शस्य को उत्पादन करने में, खेती को पैदा करने में समर्थ है। इतनी सी भूमि है, इतनी सी भूमि को भी कोई नाए तो उतनी सी भूमि को यदि बोए, गैया के खुर में जितनी भूमि आती है उतनी सी भूमि को भी बोए तो उसमें भी अनर्घ मोती उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए वृंदावन की भूमि को भाई हल्का मत लो, वो बहुत कीमती है, उसको इतना ज्यादा डिवेल्युएशन उसको मत करो, उसकी जो कीमत है वो कम से कम उसकी जो शास्त्रीय कीमत है वो तो रखो ही रखो, वो उसको इतना सस्ता बनाने की जरूरत नहीं। नानी मुखी जी कह रही भाई बात तो सही है, ललता जो कह रही है वो ठीक ही है, यद्यप तदेव युक्तम है तो कनिष्ठता उंगली के नाप के हिसाब से ही धरती नापी जाएगी नापी जाएगी धरती, तो है तो यही युक्त। तथापि ब्रजेंद्र कुमारम मुखम आलोक्य, हम श्याम सुंदर का मुख भी तो देख रही हैं तो इनका मुंह देख करके थोड़ा सा हमने भाव घटा दिया है, कोई बात नहीं है। भगवती प्रजा का मांच दृष्टवा, श्याम सुंदर ये भी हमारे बड़े हितकारी हैं, अनेक अनेक समय बड़े काम की चीज है श्याम सुंदर, गोवर्धन धारण करके कभी आपत्ति आती है तो बहुत सी कई बार इन्होंने कई उपकार किए हैं, तो इनका मुंह देख करके, और मैं भी भाई थोड़ी सी सिफारिश करूंगी, ये मेरी लाज रख करके मैं भी पौर्णमासी जी की प्रचार का हूं, सेविका हूं, तो मैं भी कह रही हूं कि नहीं इनसे ज्यादा लगाम लेने की जरूरत नहीं है, श्याम सुंदर से जो कम से कम लगाम हो सके उतने में ही आप लोग संतोष कर लो और उतना ही मूल्य निर्धारण कर लो। इसलिए अनामिका ही स्थातव्यम, अब अनामिका के नाप से ले लो बस, कनिष्ठिका का नाप छोड़ो, उसमें तो फिर और बढ़ जाएगा इनका कर, इनका जो लगाम है वो बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए अनिष्ठिका की अपेक्षा, कनिष्ठिका की अपेक्षा अनामिका जो उंगली है उस अनामिका उंगली से ही इनका नाम ले। ललता जी बोली ठीक है साहब हमको स्वीकार है, जो कह दिया हमारी सहेली ने इस दांडी मुखी ने, चलो वो स्वीकार है। वृंदे त्वम तावल लेखक क्रियायाम मान विषय नृपुणासी, अरे वृंदा तू खतना खतौनी इनको करने में, वो जो किसान की, किसानों की जो खेतों का जो होता है उस खतौनी करने में तू बड़े लेखक क्रिया में बड़ी चतुर है, नक्शा बनाने में, नक्शाओं का क्षेत्रफल निकालने में, आड़ी टेढ़ी भूमि का भी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा उन सबको निकालने में तू बड़ी चतुर है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और चतुष्कोण का कैसे निकलेगा और वर्ग का कैसे निकलेगा और कैसे उसको कहीं विकर्ण खींच करके फिर आधार और फिर लंब उनको देख करके वो जो है वो उसका आधार वो फिर लंब उनका गुणा करके कैसे, तो ये जो है उसको तू इन सब में क्षेत्रफल निकालने में बहुत कुशल है, इसलिए तू ही तावल लेखक क्रिया मान विषय चिन्ह पड़ा, लेखक क्रिया में भी और क्षेत्रफल निकालने में भी तू बड़ी कुशल है, कि वर्ग का गोले का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा और जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और लंब चतुष्कोण का कैसे निकलेगा, तो ये इन सब में तू बड़ी चतुर होकर के विराजमान है। सर्वाभि समूहे गत्ता नांदी मुखस्वर सम्मत पूर्वकम, इसलिए तुम सब गोपियों जाओ इन वृंदा के साथ में और मौका मुआयना करते हुए
जो जगह है उस जगह पर ले जाकर के सुवर को भी ले जाकर के उस मौका मुआयना का वो जो खेत है उस खेत का पूरा पूरा नाप करके आओ। नांदी मुखी जी बोली कि क्षुण्ण युधेश्वरी एकम प्रार्थयितुम इच्छामि। तो क्षुण्ण युधेश्वरी अर्थात हे छोटी युधेश्वरी, नांदी मुखी जी कह रही है बड़ी युधेश्वरी तो इस समय है नहीं, इसलिए उन राधिका की ओर से उनके बिहाफ पर तुम ही सारा काम कर रही हो, ऐसी स्थिति में क्षुण्ण युधेश्वरी छोटी युधेश्वरी एक प्रार्थना आपसे है, बोलिए। ललता जी बोली कह क्या है, यदि उचित होगा तो करूंगी मैं जरूर। नानी मुखी जी कह रही हैं कि तुम जानते ही हो ये श्याम सुंदर बेचारे अब बेचारे अपने पुराना जो स्थान है महावन का उसको छोड़ करके यहां वृंदावन में आकर के अभी कुछ साल हुए हैं, इनको 10-12 साल 8-9 साल हुए होंगे ये यहां पर आकर के बसे हैं। 2 वर्ष 3 वर्ष 2 महीना के श्याम सुंदर जब हुए उस समय श्री वृंदावन में आए। वृंदावन में आने के बाद में 2 महीने और रहने के बाद में 3 वर्ष 4 महीना के जब हुए तब श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में पौगंड अवस्था का उदय हो गया। शास्त्रों में उज्जवल मणि में वर्णन कर रहे हैं कि आपंचमाब्दम कौमारम पौगंड्यम दशमावधि। सामान्यतः जो लौकिक बालक हैं उनकी बाल्य अवस्था शिशु अवस्था 5 वर्ष की मानी जाती है। 5 वर्ष के बाद में 5 से 10 वर्ष तक की एक लौकिक शिशु की अवस्था बालक की अवस्था पौगंड मानी जाती है और 10 के बाद में 11 से 16 वर्ष तक की जो अवस्था है वो किशोर अवस्था मानी जाती है। किशोर अवस्था के बाद में फिर युवा अवस्था मानी जाती है। ये सामान्य क्रम है, ये लोक का क्रम है। परंतु हमारे ब्रज में कैशोर इतना बलवान है कि वह 5 वर्ष तक बात नहीं देखता है, वहां पर 3 वर्ष 4 महीने में ही शिशु अवस्था पूरी हो जाती है और 6 वर्ष 8 महीने में ही पौगंड अवस्था भी पूरी हो जाती है और 6 वर्ष 8 महीने के बाद में माने 7वें वर्ष की समाप्ति पर श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में मध्य कैशोर प्रकट हो जाता है। तो 6 वर्ष 8 महीना के जिस समय श्याम सुंदर हुए उसके कुछ बाद ही ग्रीष्म ऋतु जब आए उस समय 9 वर्ष अभी प्रारंभ हुआ नहीं है, 7 वर्ष भी अभी प्रारंभ हुआ, 7 वर्ष के प्रारंभ में ही जो ग्रीष्म ऋतु आई उसमें काली दमन लीला श्री कृष्ण ने की। अर्थात 7 वर्ष अभी समाप्त होने को है, उस समय श्री श्याम सुंदर ने काली दमन लीला की ग्रीष्म ऋतु में और उस काली दमन लीला के समय भी यहां ब्रज में कैशोर इतना प्रबल होकर के विराजमान है कि 7 वर्ष की समाप्ति पर ही श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में आद्य कैशोर उदय हो जाता है। जबकि सामान्यतः जो लौकिक बालक का नियम है वो है आपंचमाब्दम कौमार, 5 वर्ष तक कुमार शिशु अवस्था फिर 10 वर्ष तक पौगंड रहता है, परंतु यहां पर पौगंड की समाप्ति पर ही 7 वर्ष की समाप्ति पर ही श्याम सुंदर में पौगंड अवस्था पूरी होने लगी और 7 वर्ष 2 महीना 10 दिन के जब श्री कृष्ण हुए उस समय आपने गोवर्धन उठाया, उस समय श्री श्याम सुंदर में मध्य कैशोर प्रकट हो गया, आद्य कैशोर मध्य कैशोर। 7 वर्ष 2 महीना 10 दिन श्री श्याम सुंदर ने गोवर्धन उठाया। इसके बाद में फिर जब श्री श्याम सुंदर आप
नवम वर्ष के प्रारंभ और अष्टम वर्ष की समाप्ति होती है, उस समय शरद पूर्णिमा के दिन श्री श्याम सुंदर के श्रीरंग में पूर्ण कैशोर उदय हो जाता है। श्री श्याम सुंदर एकादश समास तत्व गुढ़ाच सबलो बसत, ये उद्धव जी के वचन हैं। इन वचनों के आधार पर के 11 वर्ष तक श्री श्याम सुंदर ब्रज में रहे, वो एक सामान्य गणना है। तत्त्वतः 11 वर्ष 5 महीना श्री श्याम सुंदर और कुछ दिन श्याम सुंदर ब्रज में रहे, जन्माष्टमी से लेकर के और शिव चतुर्दशी तक फागुन तक का जो समय है वो उसमें श्याम सुंदर 11 वर्ष 5 महीना और कुछ समय कुछ दिन आप ब्रज में रहे, फिर आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी शिवरात्रि के पहले द्वादशी के दिन आप उद्धव जी आए हैं और 13 के दिन श्री कृष्ण आप मथुरा पर आए, द्वादशी 13 के दिन, तो 13 के दिन मथुरा पर हार करके फिर आपने शिव चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि के ऊपर कंस का ने जो धनुष यज्ञ का उत्सव किया था, उस धनुष यज्ञ के उत्सव में आपने उसी उत्सव के आयोजन में उत्सव के ही एक अंग के रूप में जो मल्ल रंग हुआ उस मल्ल रंग में आपने कंस को मारा। और उसके बाद में श्री जी गोस्वामी जी निरूपण करते हैं कि 15 वर्ष तक श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान रहे। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के 3 महीने पश्चात रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, वृजे प्रकट लीलायाम त्रीन मासान विरहोमना त्रिमासानाम परस्तेशाम साक्षात कृष्णेन संगति। 3 महीने के पश्चात श्री ब्रजवासियों को साक्षात कृष्ण की संगति हुई, अर्थात कृष्ण का यज्ञोपवीत। कंस वध के दिन के 3 महीने पश्चात कृष्ण का यज्ञोपवीत हुआ और उस यज्ञोपवीत के अवसर पर पुनः श्री नंद बाबा आदि सारे ब्रजवासी यज्ञोपवीत के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे। इसलिए ब्रजवासियों को 3 महीने तक तो पहले विरह रहा, फिर कृष्ण ने मथुरा में हल्ला मचा दिया कि अब हम गायत्री मंत्र मिला है हमको, उसका पुरस्करण करेंगे। नंदबाबा बोले हाँ बेटा कर लो, यहाँ पर तुम्हारे अभी 1000 बैरी हैं और ये मथुरा में अभी अभी तख्ता पलट हुआ है, कंस के पक्ष के भी बहुत सारे लोग हैं, पता लग नहीं रहा है कौन अपना है कौन पराया है, इसलिए बालकों के पास में मंत्र शक्ति जरूर होनी चाहिए, इसलिए पुरस्करण कर लो। आपका नहीं है, जब माला जपेगा तो हम यहाँ पे बैठ के क्या टुकड़ा तोड़ेंगे, हम काय करेंगे यहाँ पे, हमारे पास खाने के लिए बहुत है। नंद बाबा फिर लौट आए, जब नंद बाबा लौट गए तब श्री कृष्ण दूर प्रवास पर उज्जैनी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। अब उज्जैनी में 64 दिनों में 64 विद्याएं पाई, लगभग 3 महीने का समय वहां पर श्री कृष्ण के आने जाने में और विद्या अध्ययन करने में 64 दिन में 64 विद्याएं पढ़ी। फिर आप गुरु को लाकर के गंधर्वराज के लोक से गुरुदक्षिणा में मधुमंगल को आपने प्रदान किया, गुरु के बालक को, और मधुमंगल फिर द्वारका में भी, यहां पर भी उसी का उसी मधुमंगल का प्रयोग है, द्वारका में भी मधुमंगल विराजमान। उसके पश्चात श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजा गया। जब कृष्ण लौट करके आए तब उनको ब्रज की याद आई और उन्होंने उद्धव को ब्रज में भेजा। और सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि 11 महीने तक उद्धव ब्रज में रहे। जब उद्धव को ये कहीं सूचना मिली कि मथुरा में जरासंध के आक्रमण होने वाले हैं, तो अस्थि प्राप्ति ये दोनों कंस की पत्नियां दोनों अपने बाप के पास में गई कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है, तुम्हारी जमाई को मार दिया है, तब जरासंध अपने जमाई का कंस का बदला लेने के लिए उसने मथुरा के ऊपर आक्रमण किए।
और मथुरा के ऊपर आक्रमण करने में कंस ने लगभग 9 महीने में उसने 18 आक्रमण किए, 9 महीने के गैप में 18 दिन युद्ध चले और उनकी गणना करने पर फिर अंत में 18वें आक्रमण में कृष्ण को भागना पड़ा। माने साल साल भर में कंस के जरासंध के मथुरा के ऊपर 18 आक्रमण हुए, उन माने 15 वर्ष में से एक वर्ष तो यूं ही व्यतीत हो गया कृष्ण के विद्या अध्ययन आदि में, उद्धव जी के रहने में लगभग 2 वर्ष यूं व्यतीत हो गए, 13 वर्ष के बीच में 18 आक्रमण, 12 वर्ष के बीच में करीब 18 आक्रमण, माने 9 महीने के गैप में जो आक्रमण है वो आक्रमण हुए और अंत में श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ करके रणछोड़ बनना पड़ा। श्री कृष्ण आप मथुरा पधार, मथुरा से श्री पधारे तो 11.5 वर्षीय ये 15 वर्ष हो, 26 वर्ष आप जब द्वारका में जाकर के जमे हैं उसके 1.5 वर्ष बाद ही करीब 28 वर्ष की लीला में श्री रुक्मणी जी के साथ में कृष्ण का विवाह हो गया और 28 वर्ष से लेकर के फिर लगभग 15 वर्ष में 20 वर्ष में श्री माने 50 वर्ष की अवस्था की लीला तक श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, क्योंकि जब प्रद्युम्न लौट करके आए हैं उस समय कृष्ण की सारे विवाह हो गए और प्रद्युम्न के रूप का दर्शन करके सारी कृष्ण कामनाएं लजा गई, इससे पता लगता है कि प्रद्युम्न 18 वर्ष के बाद में 19 वर्ष में 18 वर्ष में प्रद्युम्न लौटे थे द्वारका। तो 28 वर्ष से 18 वर्ष और जोड़ ले जाए तो 28 से 48 और 48 से करीब करीब 54 वर्ष, इतना कम से कम ये जोड़ लिया जाए, रुक्मणी जी के विवाह के बाद में 18 वर्ष और जोड़ लिए जाए, 28 वर्ष में श्री रुक्मणी जी का विवाह और उसमें 18 वर्ष और जोड़ दिए जाए तो 48-49 वर्ष में श्री प्रिया, तो रसिक जनों ने वर्णन किया 52 वर्ष में फिर कुरुक्षेत्र मिला, 52वें वर्ष श्री कृष्ण का और 52 वर्ष में कुरुक्षेत्र मिलन होने के बाद में फिर ब्रजवासी वहां पर फिर नहीं 62 वर्ष में श्री ब्रजवासी इसके बाद में मिलन प्राप्त कर रहे हैं, 62वें वर्ष ब्रजवासियों का मिलन। और उस प्रसंग में यह लगता है कि विवाह हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, क्योंकि कुरुक्षेत्र में श्री द्रौपदी जी सारी कृष्ण पत्नियों से पूछती हैं कि कृष्ण ने आपके साथ में कैसे विवाह किया, इसका मेरे सामने वर्णन करो, और लगता है पहली बार विवाह के बाद में द्रौपदी जी सारी कृष्ण कांताओं से मिल रही हैं, तो उन सारी कृष्ण कांताओं ने अपने अपने विवाह का उस समय वर्णन किया। तो जो कुरुक्षेत्र मिलन की लीला है वो कुरुक्षेत्र मिलन की लीला लगभग 62 वर्ष की है और वो एक संगति भी कहीं प्राप्त होगी है, जो कहीं शास्त्रों में वर्णन किया गया कि ब्रजगोपिकाओं को 100 वर्ष का वियोग प्राप्त होगा, ये जो शाप की एक प्रसिद्धि कहीं पुराणों में गर्ग संहिता आदि में कहीं जो प्राप्त है कि गोलोक में कहीं श्री रामा ने श्राप दिया था कि तुमको 100 वर्ष का, तो 50 वर्ष दिन और 50 वर्ष रात, ऐसे 100 वर्ष ये, और 12 वर्ष के कृष्ण ब्रज से मथुरा में आए 11.5 वर्ष के, तो इस तरह से लगभग
बासठ वर्ष, 50 वर्ष तो शाप के और 12 वर्ष कृष्ण ब्रजवासियों के साथ में पहले मिले हुए थे उनको मिलाकर के उस संगति के आधार पर 62वें वर्ष में श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों के साथ में समृद्धिमान संयोग सुख प्राप्त हुआ, प्रथम मिलन प्राप्त हुआ, फिर दोबारा विरह के बाद में, फिर इसके बाद में कुरुक्षेत्र मिलन होने के बाद में फिर 10 वर्ष बाद राजसूय यज्ञ हुआ। वहां के बाद में पांडवों को दिल्ली का राज्य मिल गया और दिल्ली का राज्य इंद्रप्रस्थ का राज्य होने पर पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई वर्षों तक वो यज्ञ चलता है, 10-11 वर्ष तो उसमें 11 वर्ष तो लगते ही लगते। राजसूय यज्ञ के अंत में बधुआ इसका शुष्पाल, शुष्पाल और दंतवक्र इनका जो वध है वो राजसूय यज्ञ के अंत में हुआ है। और राजसूय यज्ञ में ही दुर्योधन का कहीं अपमान हुआ और उस अपमान से जल भून करके और युधिष्ठिर के ऐश्वर्य को राजसूय यज्ञ में उनको जो यश मिला उसके ऐश्वर्य को देख करके वो मात्सर्य को प्राप्त करके, असूया को प्राप्त करके दुर्योधन से, दुर्योधन उस समय लौट करके वो आया और फिर उसने द्यूत सभा के लिए योजना बनाई और द्यूत सभा की अनुमति दी। इसका मतलब है कि लगभग 73वें वर्ष द्यूत सभा हुई। बासठवें वर्ष श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र मिलन और उसके 10-11 वर्ष बाद 73वें वर्ष द्यूत सभा का आयोजन हुआ और द्यूत सभा में पांडव जब हारे तो पांडवों के हारने पर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का तो अज्ञातवास हुआ, तो 13 वर्ष तो यूं बीत गए, तो 72 में 13 और जोड़े तो 85 वर्ष। 85 वर्ष के बाद में जब पांडव दोबारा लौट करके आए, लौट करके आने पर उन्होंने मित्रता का संदेश बना करके, शांति दूत बना करके कृष्ण को दुर्योधन की सभा में भेजा। दुर्योधन ने जब प्रस्ताव नहीं माना और युद्ध निश्चित हो गया तब 3-4 वर्ष कहीं युद्ध की योजना में और युद्ध की व्यवस्था में, महाभारत के युद्ध की व्यवस्था में जो ट्रीटीज हुई, आप दो पूरे भारतवर्ष के जितने भी राजा थे वे